से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कैनेडी पाथवे के बारे में। कैनेडी पाथवे इज द पाथवे ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि टीजीए मॉलिक्यूल। कैनेडी पाथवे इज अ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल यानी कि टीजीए मॉलिक्यूल। इस पाथवे को हम लोग एसएन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। जहां तक बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की बात है तो ये सभी एनिमल्स और प्लांट्स में देखा जाता है। सारे एनिमल्स और प्लांट्स में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो सिंथेसाइज होता है। जहां तक एनिमल्स की बात है तो एनिमल्स के लगभग सभी सेल्स में ऑलमोस्ट सभी सेल्स जो है बायोसिंथेसाइज करते हैं टीजीए मॉलिक्यूल को, लेकिन इसमें लीवर और इंटेस्टीन जो होता है मोस्ट पार्टिसिपेट करता है। सबसे ज्यादा जो बायोसिंथेसिस होती है टीजीए मॉलिक्यूल की वो लीवर और आपको इंटेस्टीन में देखी जाती है। ये जो सिंथेसिस होती है वो जो होता है हमारा सेल्स जो होता है जब भी उसको एनर्जी की जरूरत होती है ये जो टीजीए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से फैटी एसिड को लिबरेट करता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ टीजीए मॉलिक्यूल होता है जिससे फैटी एसिड लिबरेट होता है, उससे एनर्जी जनरेट होता है। लेकिन सिंथेसिस के वक्त ये जब लेवल ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है तो ये टीजीए मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टोर्ड कर दिए जाते हैं सेल्स में। बेसिकली ज्यादातर देखा जाता है कि एडिपोज टिश्यूज में इनका एस्टोरेशन होता है, बहुत सारे टिश्यूज में ब्रेन्स में भी इनका एस्टोरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ये टीजीए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बॉडी सेल्स में स्टोर कर दिए जाते हैं। ये लिपिड ड्रॉपलेट्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वाइल्ड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, एडिपोसोम्स के फॉर्म में हो सकते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स, वाइल्ड ड्रॉपलेट्स एंड एडिपोसोम्स के फॉर्म में हो सकते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स, फैट ग्लोब्यूल्स एंड एडिपोसोम्स, ये जो लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एक्चुअली मोनो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स के से घिरे रहते हैं। ये जितने भी लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं जो स्टोर्स होते हैं वो मोनो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड याद रखेंगे, मोनो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट्स इंटरप्टेड बाय हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स जो उसमें अंदर धंसे रहते हैं उस मोनो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेरिलिपिन, ये जो मोनो लेयर है उसका एग्जाम्पल हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं पेरिलिपिन। ये लेयर पाया जाता है वैसे वाइल्ड ड्रॉपलेट्स में जो एडिपोज टिश्यू में रहते हैं, एडिपोज टिश्यू में जिनका रेस्टोरेशन होता है एक्चुअली एडिपोज टिश्यू। एंड वैसे वाइल्ड ड्रॉपलेट्स जो कि सीड्स में पाए जाते हैं, बीज में पाए जाते हैं, उसमें जो लिपिड मेम्ब्रेन्स होता है ये फॉस्फोलिपिड और हाइड्रोफोबिक लेयर का जो मेम्ब्रेन्स होता है वाइल्ड ड्रॉपलेट्स के ऊपर उसको हम लोग कहते हैं ओलियोसीन्स। इसको हम लोग ओलियोसीन्स इन सीड्स। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि पेरिलिपिन्स का जो मोनोलेयर ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड एंड हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स का जो वाइल्ड ड्रॉपलेट के ऊपर जो लेयर होता है वो इन एडिपोज टिश्यू होता है, जबकि ओलियोसिन्स का जो मोनोलेयर ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड और हाइड्रोफोबिक एसिड प्रोटीन्स का जो लेयर होता है ऑन द वाइल्ड लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है इन सीड्स। तो बायोसिंथेटिक पाथवे में जो हमने आपको बताया कि जो लीवर और इंटेस्टीन जो होते हैं मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू कैनेडी पाथवे प्रीडोमिनेंट होता है, जबकि इन इंटेस्टीन
इन इंटेस्टीन मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। तो दो तरह के बेसिक पाथवे होते हैं ऑफ टीजीए बायोसिंथेसिस के। पहला जो हम यहां पे आपको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कैनेडी पाथवे, और दूसरा मोनोएसाइड ग्लिसरॉल पाथवे जो इंटेस्टीन में प्रीडोमिनेंट होता है। तो अभी हम लोग आज जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ कैनेडी पाथवे की जो प्रीडोमिनेंट होता है इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये जो बायोसिंथेसिस शुरू होता है वो एक्चुअली सबसे पहले ग्लिसरॉल ट्राई है आप जिसको हम लोग ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से शुरू होता है, ग्लिसरॉल एक्चुअली ग्लिसरॉल फॉस्फेट से शुरू होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट से शुरू होता है एक्चुअली। ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट पे पहला जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम का, जो पहला रिएक्शन होता है फैटी एसाइल कोएंजाइम का इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट यहां पर हम लोग नंबर दे देते हैं और उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे एंजाइम का नाम लिख देते हैं। पहला जो एंजाइम है ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एसाइल ट्रांस फरेज के प्रेजेंस में फैटी एसाइल को एंजाइम जो है वो अटैक करता है ऑन द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एंड बाइंड कर जाता है CH2OR1 एंड CHOH एंड CH2O। ओके, तो यहां पे जो होता है आपका जो फर्स्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में आपको इन द प्रेजेंस ऑफ हाइटो बाय द रिएक्शन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन जाता है लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमारा तैयार होता है वो होता है लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। तो पहला जो हमारा रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में बाय द रिएक्शन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम जिसे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड, लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। दूसरा रिएक्शन जो हमारा होता है अगेन इन बाय द फैटी एसाइल कोएंजाइम, फैटी एसाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में फैटी एसाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में हम यहां पे लिख सकते हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम के प्रेजेंस में जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड। यहां पे दूसरा जो है एसाइल ग्रुप आकर के कार्बन नंबर टू पे जुड़ जाता है जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है फॉस्फेटिडिक एसिड। इससे दूसरा एसाइल ग्रुप आकर के यहां पे जुड़ता है और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। यहां पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है यहां पे लिख सकते हैं हम लोग फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड।
तो दो रिएक्शन हम ये आपने बायोसिंथेटिक पाथ में पहला रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एसाइड ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में बाय द रिएक्शन ऑफ फैटी एसाइड कोएंजाइम लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड बनता है। लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड का रिएक्शन अगेन होता है फैटी एसाइड कोएंजाइम से इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइड ग्लिसरॉल एसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में ये लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड फैटी एसाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करके बनाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। अगेन फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फोहाइड्रोलेज के हाइड्रोक्सीलेज के प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देता है और बनाता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ हम लोग यहां पे इसको मिटा सकते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो बना था फॉस्फेटिडिक एसिड जिसमें ऑलरेडी दो असाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर टू पे अटैच हो चुके होते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। ये फॉस्फेटिडिक एसिड जो है उस पर थर्ड रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फो हाइड्रोलेज एंड ये फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फो हाइड्रोलेज जो है वो कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द फॉस्फेटिडिक एसिड। तो यहां पे आप पीआई के रिमूवल को जो है वो कैटालाइज करता है जिससे बनता है यहां पे डाई एसाइल ग्लिसरॉल का यहां पे फॉर्मेशन होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल यहां पे बनता है और ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो है फिर रिएक्शन करता है अगेन फैटी एसाइल कोएंजाइम में से अगेन इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यहां पे देख सकते हैं एंजाइम्स का नाम इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में फैटी एसाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करके ये फाइनली बना लेता है टीजीए मॉलिक्यूल CH2O फाइनली हमारा TGA मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है बाय द कैनेडी पाथवे। सो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट से ग्लिसरॉल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनने में हमको चार तीन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जबकि चार एंजाइम्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तीन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जबकि चार एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं जिसके बारे में हमने यहां पे नोट किया था। पहला एंजाइम जो हमारा होता है ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट एसाइड ट्रांसफरेज होता है। दूसरा एंजाइम जो हमारा होता है वो एसाइल ग्लिसरॉल एसाइड ट्रांसफरेज होता है। तीसरा जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फोहाइड्रोलेज जो होता है और चौथा जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल एसाइड ट्रांसफरेज। ये चार एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो होता है फाइनली ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का जो है वो फॉर्मेशन फाइनली हो जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो हम लोग सबसे पहले आप तक पहुंचा सके।